कैसे हैं आप सब। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आज हम ये जानेंगे कि कोई भी गाड़ी की जो मैन्युफैक्चरिंग और जो मैन्युफैक्चरिंग है, ईयर और मंथ, वो हम कैसे पता लगा सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग शोरूम में जाते हैं नई गाड़ी खरीदने के लिए और शोरूम वाले आपको ये बोल देते हैं कि ये गाड़ी इस महीने की बनी हुई है। लेकिन जब गाड़ी खरीद लेते हैं और आरसी जब आपके पास ट्रांसफर होकर आती है तो उस पर जब मैन्युफैक्चरिंग आप डेट देखते हैं तब आपको बहुत दिल दुखता है आपका, और आपको बहुत आप उदास हो जाते हैं कि मेरे साथ तो धोखा हो गया। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि गाड़ी की चेसिस नंबर जो होता है, जो विन नंबर होता है, उससे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि गाड़ी कौन से मंथ की बनी हुई है, कौन से ईयर की बनी हुई है, जिससे आपको कभी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। देखिए, आप एक लाइक करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है, मुझे मुझे मोटिवेशन मिलता है एक अच्छी अच्छी और नई नई जानकारी वीडियोज़ बनाने का। और मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे आने वाली जो भी नई वीडियोज़ है, अच्छी अच्छी वीडियोज़, जानकारी वाली वीडियोज़, नॉलेजेबल वीडियोज़, उसको वो आपके पास टाइम से टाइम पहुँच जाए। तो प्लीज़, चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, हम आ गए हैं गाड़ी के विन प्लेट पे। ये मारुति सुजुकी की गाड़ी है और ये आप ये देख रहे हैं, ये चेसिस नंबर लिखा, विन नंबर लिखा हुआ है, ये इंजन नंबर लिखा हुआ है, लेकिन अभी इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हम जो देखेंगे, ये विन नंबर से जानेंगे कि ये गाड़ी कौन से मंथ की मैनुफैक्चरिंग है, कौन सी ईयर की मैनुफैक्चरिंग है। देखिए, यहाँ पर जो ये नंबर लिखे हुए हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, टोटल यहाँ पे 17 नंबर लिखे हुए होते हैं। इसमें से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से मंथ की गाड़ी है, कौन सी ईयर की गाड़ी है। देखिए, जो भी इसका जो स्टार्टिंग से जो 10th नंबर, जो 10th कोड होगा, जैसे के इसका 10th है, वापस गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10th जो भी ये कोड है ना, जैसे के है, के जो है ये 2019 का मॉडल है, समझ रहे हैं मेरी बात को, ये 2019 का मॉडल है। और ये ए जो 11th नंबर जो ये कोड जो देख रहे हैं, ये मंथ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ए मतलब ये गाड़ी जनवरी की बनी हुई है, के ईयर है, मतलब के का जो है ये 10th वाला जो कोड है, ये 2019 का मॉडल है, ये ईयर रिप्रेजेंट करता है। 11th वाला जो कोड है, ये जो ए लिखा हुआ है, ये मंथ रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स, इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये 2019 का मॉडल है और दो जनवरी की मैन्युफैक्चरिंग है। इससे हम आराम से पता लगा सकते हैं, कभी भी आप जाएँ तो आप आराम से पता लगा सकते हैं कि कौन से मंथ की गाड़ी है, कौन सी ईयर की गाड़ी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो के माध्यम से जो आपको जानकारी मिली आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। और मुझे मोटिवेशन करने के लिए मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।